स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने एज ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848, जिसमें हम लोगों ने देखा था कुछ रिवॉल्यूशंस हुए, जैसे फ्रांस के अंदर, बेल्जियम और फिर से ग्रीस के अंदर। ये तीनों इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने। लेकिन इसी बीच हम लोग एक नई चीज जो देखेंगे कि इस चैप्टर में ऐसा लगता है कि वो बीच में इंटरप्रेट कर गया है, एक ऐसी चीज, वो क्या था? दैट वाज रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फील। ये एक्चुअली क्या था? नेशनल फीलिंग को या नेशनलिज्म को प्रमोट करने का एक डिफरेंट तरीका था। अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने देखा उसमें क्या पाया कि स्ट्रगल के माध्यम से, स्ट्रगल करके राष्ट्र को बनाने का काम किया जा रहा था। लेकिन एक नया प्रोसेस उस समय पॉपुलर हुआ था, वो क्या था? दैट वाज रोमांटिक इमेजिनेशन, जिसके माध्यम से एक नेशनल फीलिंग या एक नेशनलिस्ट के मैसेज को, नेशनलिज्म के मैसेज को लाने का काम किया था। ये एक्चुअली था क्या? देखिए, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इसमें ये समझाया गया है कि ये जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट है वो केवल वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं हुआ, इसमें कल्चर ने अपना रोल प्ले किया है। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, तो कल्चर के अंदर, हमारे कल्चर में बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसके माध्यम से नेशन के आइडिया को क्रिएट करने या डेवलप करने का काम किया गया? दैट वाज आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक्स। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके माध्यम से नेशन के आइडिया को डेवलप करने का काम। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग आते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन, है ना, इसको रोमांटिसिज्म भी कहेंगे। तो ये क्या है, इसके डिफिनेशन को समझेंगे। एक्चुअली ये रोमांटिसिज्म क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट। ये क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट है विच साउट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। एक खास किस्म के नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को डेवलप करने का एक तरीका है ये। इस पर ये एक कल्चरल मूवमेंट है जो ये आवाज उठाता है कि एक खास किस्म के नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को डेवलप करने का, है ना। मतलब एक नेशन को बनाना या राष्ट्रवाद का ग्रोथ करना बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कल्चर, कि हम एक खास कल्चर से बिलोंग करते हैं, उसी कल्चर के आधार पर हमारा देश होना चाहिए। और कल्चर के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरीज हैं, म्यूजिक्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके अंदर, रोमांटिसिज्म के अंदर और क्या बातें थी? इट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। रोमांटिसिज्म में रीजन और साइंस के ग्लोरिफिकेशन को क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था और साइंस भी ग्रो कर रहा था, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही थी, लेकिन रोमांटिसिज्म में उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। किस चीज़ पर फोकस किया गया? फोकस ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। कल्पना पर, हमारे इमोशन पर, मिस्ट्री पर, इंस्टीट्यूशन पर, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आर्ट, पोइट्री, स्टोरी या म्यूजिक को बनाया गया जो एक खास लोगों का हो, और उसी खास लोगों के आधार पर उन्हीं खास लोगों का एक देश बने। दैट वाज रोमांटिसिज्म। ठीक है, अब इधर आइए, देखिए, तो वो जो चीज़ें हम लोगों ने आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक्स, इसी के अंतर्गत फॉक सॉन्ग, फॉक पोइट्री, फॉक डांसेस का कैसे इस्तेमाल किया गया, है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग देखेंगे। द
जैसे एज फॉर एग्जाम्पल पोलैंड, पोलैंड को लेते हैं, आप जानते हैं कि एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी पोलैंड वॉज डिवाइडेड बाय द ग्रेट यूरोपियन पावर रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। 18th सेंचुरी के लास्ट में पोलैंड जो है वो ग्रेट पावर्स के अंतर्गत डिवाइडेड था। तो पोलैंड वॉज नॉट ए लॉन्गर इंडिपेंडेंट टेरिटरी, पोलैंड एक आजाद देश नहीं था, वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था। तो वहां पर उस नेशनलिस्ट फीलिंग को बनाए रखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया? नेशनल फीलिंग किप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। पोलैंड के निवासी जानते थे कि हम लड़ करके ये सुपर पावर्स जो हैं, ग्रेट पावर जो हैं, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया के साथ लड़ के उसका सामना नहीं कर सकते हैं, तो उसको रेसिस्ट कैसे किया उन लोगों ने? उन लोगों ने अपने कल्चर की चीज़ों को जैसे म्यूजिक और लैंग्वेज के माध्यम से उन्होंने इसका विरोध किया। एज फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिस्ट थे कैरोल कॉर्पिंस्की, सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू ओपेरा एंड म्यूजिक। उनका एक ओपेरा ग्रुप था, एक म्यूजिकल ग्रुप था, उसके माध्यम से उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करने का काम किया। क्या किया? ही टर्न टुवर्ड्स फोक डांस, पोलोनाइज एंड मजूरका। उन्होंने जानबूझ करके पोलैंड का कुछ खास फोक डांस था उसको पॉपुलराइज करने का काम किया, जहां रशियन अथॉरिटीज जो थी है ना, वो वहाँ के कल्चर को दाबने का काम कर रही थी, या फिर जो ग्रेट पावर थे उसके अधीन पोलैंड की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बची थी, तो अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए है ना किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया? ओपेरा और म्यूजिक का। और जानबूझ करके जो पोलैंड का एक फोक डांस हुआ करता था जैसे पोलोनाइज और मजूरका, उसको बार बार सेलिब्रेट करने का काम किया। ठीक है, फिर इधर आइए, अगेन यूज ऑफ लैंग्वेज। अब हम लोग क्या देखते हैं? लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया कैसे? फिर से हम लोग पोलैंड में ही आते हैं। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्सिबली रिप्लेस्ड बाय द रशियन अथॉरिटी इन स्कूल्स। ठीक है, जिस पोलैंड के जिस पार्ट पर रशिया का ऑक्यूपेशन था वहां पर पोलिश भाषा को हटा करके रशियन लैंग्वेज को अप्लाई किया गया। ठीक है, तो इस चीज का विरोध किसके द्वारा किया गया? बहुत से क्लेरिगीज मेंबर के द्वारा किया गया। क्लेरिगीज मेंबर कौन थे? जो चर्च से जुड़े लोग थे, उन लोगों ने इस सिचुएशन का विरोध किया। कैसे? दे यूज पोलिश लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। रेसिस्ट करने के लिए उन लोगों ने पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। पोलिश लैंग्वेज वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। वो कहाँ यूज करते थे? चर्च गैदरिंग में, जानबूझकर चर्च गैदरिंग के अंदर वो पोलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे, और जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होता था या जो भी प्रीचिंग होती थी उसको जानबूझ करके पोलिश भाषा में ही करते थे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि उनको पनिशमेंट झेलना पड़ा। क्या? एज ए रिजल्ट प्रिस्ट एंड बिशप्स वेयर पुट इन जेल और सेंट साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटी। उनको या तो जेल में डाल दिया गया या फिर उनको साइबेरिया भेज दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो किस रूप में किया गया? नेशनल रेसिस्टेंस के रूप में। तो ये चीज़ें जो थी जो हमारी कल्चर से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो या फोक सॉन्ग हो, फोक डांस हो, फोक पोइट्री हो, आर्ट हो, स्टोरीज हो, म्यूजिक्स हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक खास पर्टिकुलर कल्चर के अंतर्गत आती हैं, और इसी के माध्यम से नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाने का काम किया गया, जो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। ओके स्टूडेंट, इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।